नमस्कार मित्रों, बाईस सी लर्निंग स्टूडियो से एक कहानी मेरी जुबानी लेकर उपस्थित हूं। आप लोग मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए, एक कहानी आपके समक्ष रख रहा हूं। कहानी का मौजू, कहानी का विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन शिक्षाप्रद है और समझने लायक है। वर्तमान हालातों को इंगित करती हुई ये कहानी। एक पिता जो काफी बुजुर्ग लग रहा है, कोर्ट में पेश होता है और जज साहब के सामने जाकर कहता है, मेरी फरियाद सुनिए। जज साहब सोच रहे हैं कि आदमी तो बुजुर्ग है, लेकिन रंग ढंग से एक अच्छा पैसे वाला दिख रहा है। उन्होंने कहा, क्या बात है? कि साहब, मेरी एक शिकायत है और वो शिकायत ये है कि मेरा लड़का जो है एक ऊंची पोस्ट पर है, मैं उससे प्रति माह कुछ पैसा लेना चाहता हूं खर्च के लिए। जज साहब ने सोचा कि अगर पैसा खर्च के लिए लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसमें हमें कहां एतराज है। उसने कहा, नहीं सर, मैं कोर्ट के जरिए अपने बेटे से कुछ लेना चाहता हूं और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे बेटे को, ये नंबर है, ये पता है, उसे बुलाइए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं और आप अपनी बात कह सकें। दोस्तों, हुआ ये कि नियत तिथि पर बेटा कोर्ट में हाजिर हुआ, पिता भी हाजिर। जज साहब ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा कम से कम 100 रुपया प्रति माह मुझे खान पान के लिए, मेरी व्यवस्था के लिए दे। जज साहब ने कहा, 100 रुपए ही मांगने हैं तो आप सीधे मांग लेते, आपको कोर्ट में आने की जरूरत क्या थी? उन्होंने कहा, नहीं, मेरा निवेदन आप सुन लीजिए। लड़का हतप्रभ, उसने सोचा कि मेरे पिताजी इतने बड़े अमीर आदमी हैं और 100 रुपया मांग करके प्रति माह ये क्या कहना चाह रहे हैं। उसने जज साहब से कहा, जज साहब, मेरे पिताजी को आप समझाइए, मैं बड़ी रकम दे सकता हूं लेकिन वो स्वयं ही इतने बड़े पैसे वाले हैं तो 100 रुपए का क्या औचित्य है। जज साहब ने कहा उस बुजुर्ग आदमी से कि 100 रुपए लेने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। तब उसने कहा कि मैं केवल 2 चीजें चाहता हूं और उसके लिए मेरे बेटे को आप आदेश दें। नंबर 1, प्रति माह मुझे ये 100 रुपए देगा। नंबर 2, वो 100 रुपए किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से नहीं, ये स्वयं उपस्थित होकर के मुझे 100 रुपए अपने हाथ से मेरे हाथ में देगा। जज साहब भी असमंजस में थे कि ये बुजुर्ग आदमी क्या कह रहा है, लेकिन चूंकि उसने निवेदन किया था इसलिए जज साहब ने आदेश दिया, उस बेटे को आदेश दिया कि आप प्रतिमाह 100 रुपया अपने पिताजी को देंगे और निश्चित तिथि पर स्वयं उपस्थित होकर उनके हाथ में देंगे। लड़के ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आज्ञा मान लूंगा। वहां से लड़का चला गया और उसके पिताजी भी जब जाने लगे तब जज साहब ने उस व्यक्ति को बुलाया और उसे कहा कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि 100 रुपए के लिए आप ये मुकदमा लेकर क्यों आए हैं। तब उस बुजुर्ग आदमी ने जो बात कही दोस्तों, वो बात बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही मनन करने योग्य है। उसने कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा अपने काम में
बड़े ओहदे पर इतना बिजी है कि वो 6-6 महीने तक उससे बात नहीं होती, वो मेरे से मिलता नहीं है, फोन पर बात नहीं होती, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं। इसलिए आपने जब आदेश दिया तो ये प्रतिमाह 100 रुपए देने के लिए ये मेरे पास आएगा, मेरे पास 5 मिनट बैठेगा, तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। जस्ट साहब सुनकर के बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बता देते तो भरण भोषण के लिए, आपकी सेवा शुश्रूषा के लिए यह व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, मैं उस पर जुर्माना करता, मैं उसको सजा देता। तब उसके पिता ने कहा कि अगर इसे आप सजा देते तो अंततः मुझे दुखी होना पड़ता और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुखी हो, वो सुखी रहे। लेकिन अभी उसने मुझे समय देना बिल्कुल बंद कर दिया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। दोस्तों जज साहब के आदेश पर वह लड़का प्रतिमाह एक नियत तिथि पर आता, 100 रुपए अपने पिताजी के हाथ में रखता, 5-10 मिनट उनके साथ बैठता और उसके बाद चला जाता। इससे उसके पिता को जो सुकून मिलता वो उस धन दौलत से मिलने वाला नहीं था। तो कहानी यहां समाप्त हो रही है, लेकिन कहानी का मैसेज ये है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े ओहदे पे चले जाएं, लेकिन अपने माता पिता को 5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन 2 दिनों में समय दें, उनके पास बैठें, क्योंकि वे आपसे कुछ नहीं चाहते, वे आपसे पैसा नहीं चाहते, वे आपका धन दौलत नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास रहे, ताकि उन्हें भरोसा रहे कि हमारे सुख दुख में, बूढ़ापे में ये बच्चा हमारे साथ रहेगा, उनका हौसला टूटे नहीं। इसलिए इस कहानी को सुनने के बाद आप एक संकल्प ले लीजिए कि भविष्य में हम समय समय पर आप अपने माता पिता की सेवा करें, यह तो बहुत अच्छा है, समय ज्यादा दें बहुत अच्छा है, लेकिन यह नहीं है कि आप इतने मशगूल हो जाएं अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, अपने पेशे में, कि माता पिता को बिल्कुल भूल जाएं और उन्हें कतई समय न दें, तो ये उनके लिए, माता पिता के लिए बहुत बड़ी सजा होगी। और इस उम्र में वो ये कतई नहीं चाहते कि उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके पोते उनसे दूर रहें, क्योंकि माँ बाप हमेशा वट वृक्ष की तरह होते हैं और उनके बेटे उनकी छाया में हंसते खेलते रहें, वो हमेशा ऐसा चाहते हैं। कहानी समाप्त कर रहा हूं और आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि ये कहानी आपको अपने बुजुर्ग माता पिता के प्रति एक संकल्प लेने की बात कहेगी, एक दायित्व ओढ़ने की बात करेगी, और आपको और आपके माता पिता को बहुत अच्छा लगेगा। इससे बड़ा सुकून जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। फिर एक नई कहानी के साथ बाईस लर्निंग स्टूडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।